व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित। आज ट्यूसडे को हम यहाँ पर लगा रहे हैं बैक, और बैक में जो हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है वो है लैट पुल डाउन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं लैट पुल डाउन मशीन पे लगा रहा हूँ। अगर आपके जिम में ऐसा मशीन नहीं है तो आप इसे लैट पुल डाउन बार आता है, आप उससे भी इसे ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि जब आपका बार नीचे आ रहा है, जब आप लैट पुल डाउन बार को खींच रहे हैं नीचे, तो आप अपनी बैक को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करें, और जब आपका हाथ ऊपर जा रहा है, मतलब आपका जब बार ऊपर जा रहा है, तो आप अपने लैट्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। यहाँ पर हम सुपर सेट लगा रहे हैं वी ग्रिप केबल रोज, मतलब यहाँ पर हम सुपर सेट लगा रहे हैं, तो इन दोनों एक्सरसाइज के बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा। पहले आपको लैट पुल डाउन लगाना है, फिर उसके तुरंत बाद आपको वी ग्रिप केबल रोज लगाना है, मतलब इन दोनों के बीच में आपको कोई रेस्ट नहीं लेना है। वी ग्रिप केबल रोज जो लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ये मिड बैक की एक्सरसाइज है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप वी ग्रिप को अपनी ओर खींच रहे हैं तो अपने मिड बैक को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करें, सिर्फ आप वेट को मूव ना करें, माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाए रखें। ये भी यहाँ सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन हम यहाँ लैट्स के लिए लगा रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो लैट से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब माइंड एंड मसल कनेक्शन बना हुआ रहना चाहिए, तभी आप इसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। इसके आप 3 सेट लगाएं, एंड हर एक सेट में आपको 8 रैप्स लगाने हैं। एंड आपका जो पहला सेट होगा वो मीडियम हैवी से आपको स्टार्ट करना है, और जो आखिरी सेट होगा वो हैवीएस्ट होना चाहिए। इसके साथ सुपर सेट में वी ग्रिप केबल रोज लगा रहे हैं। तो वी ग्रिप केबल रोज ये मिड बैक की एक्सरसाइज है, तो आपका माइंड जो है वो मिड बैक से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ माइंड एंड मसल कनेक्शन बना हुआ रहना चाहिए। एंड आप अपने बैक को ज़्यादा मूव ना करें, नहीं तो आपका लोअर बैक इंजर्ड हो सकता है, सो आप इंजरी का भी ध्यान रखें। एंड इसके आप 3 सेट लगाएं, एंड हर एक सेट में आपको 8 रैप्स लगाने हैं। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रोप पुल डाउन। आप इसके भी 3 सेट लगाएं, एंड हर एक सेट में आपको 8 रैप्स लगाने हैं। एंड ध्यान रखें कि हर एक सेट में आप वेट को इंक्रीज करें, और मीडियम हैवी से आप स्टार्ट करें, लाइट वेट से नहीं, मीडियम हैवी से स्टार्ट करें, जिससे कि आप 8 रैप्स ईजिली लगा सकें। एंड लास्ट जो सेट होगा आपका वो हैवीएस्ट होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कि मैं अपने बैक को ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हूँ, आई मीन लोअर बैक को ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हूँ, मेरी फॉर्म पूरी स्ट्रिक्ट है। मैं जब हाथ नीचे ला रहा हूँ तो अपने बैक को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब ऊपर लेके जा रहा हूँ तो फुल स्ट्रेच कर रहा हूँ। इसके साथ जो हम यहाँ पर सुपर सेट लगा रहे हैं वो है डंबल रोज। इसके भी आप 3 सेट लगाएं, एंड हर एक सेट में आपको 8 रैप्स लगाने हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे प्रोग्राम में हम फैस्ट ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन कर रहे हैं, तो जिसमें हमें थोड़ा हैवी लिफ्ट करने का ज़रूरत है। तो इसमें आपका जो पहला सेट होगा वो मीडियम हैवी से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट जो सेट होगा आपका वो हैवीएस्ट होना चाहिए। इस पूरे प्रोग्राम में जो रेस्ट पीरियड है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने रोप पुल डाउन लगाया, उसके साथ में सुपर सेट में मैंने डंबल रोज लगाया, तो इन दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सुपर सेट लगा रहे हैं। तो आप पहले रोप पुल डाउन लगाएं, उसके तुरंत बाद सुपर सेट में डंबल रोज लगा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है आपको। उसके बाद जब ये एक पैर खत्म हो जाए, रोप पुल डाउन प्लस डंबल रोज का जो भी सुपर सेट का पैर है वो कंप्लीट हो जाए एक सेट, उसके बाद आप 30-45 सेकंड का रेस्ट लें, अगेन इस पैर को स्टार्ट करें, सुपर सेट का पैर जो है दो एक्सरसाइज का। आप इसके ऐसे 3 सेट करें, एंड इसके बाद आप 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बेंट ओवर केबल रोज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं इस एक्सरसाइज को लैट पुल डाउन बार से परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपके जिम में ये बार है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस एक्सरसाइज को और रेगुलर ओलंपिक बार से भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा जो बैक है वो स्ट्रेट है, मेरा बैक आर्च नहीं है, सो ये करेक्ट फॉर्म है। सो इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि आपका बैक जो है वो, अगर आपका बैक बैंड हो रहा है तो हो सकता है आपका वेट ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप वेट को, उसके बाद लगाएं, इजीली लगेगा, बट आप फॉर्म का भी जरूर ध्यान रखें। इसके यहाँ पर हम रेगुलर सेट लगा रहे हैं, तो हर एक सेट के बाद आपको 30-45 सेकंड का रेस्ट लेना है, तो इसके बाद आप 30-45 सेकंड का रेस्ट लें, इसके आप 3 सेट लगाएं, एंड इसके बाद आप 2 मिनट का रेस्ट लें, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें।
यहाँ पर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है हाइपर एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज हमारे लोअर बैक के लिए है, तो लोअर बैक ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत सारे लोग लोअर बैक ट्रेन नहीं करते हैं, सो वो गलती आपको नहीं करना है। लोअर बैक को ज़रूर अपने बैक के स्केड्यूल में ऐड करें। जिस दिन आप बैक का वर्कआउट करें लोअर बैक ज़रूर लगाएं, एंड इससे आपके कोर को भी स्ट्रेंथ मिलता है एंड आपका स्पाइन भी हेल्दी रहता है। इससे इस एक्सरसाइज में जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में जब आप ऊपर आएँ तो उतना ही ऊपर आए जितना में आपका नेक से लेकर लोअर बैक तक का एरिया फुली स्ट्रेट हो। सो ओके गाइस, टेक केयर, गो होम एंड टेक योर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। थैंक यू।